आज की क्लास में हम असाइनमेंट नंबर 6 को देखेंगे। एमएस वर्ड का जो असाइनमेंट नंबर 6 है उसमें आपको इस तरीके से टेबल बनाना है। तो आप ध्यान देंगे कि टेबल का जो ये डिजाइन है ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ऊपर अलग है और नीचे अलग है। तो इसको बनाने के कई तरीके हैं, या तो आप ड्रॉ टेबल से भी बना सकते हैं या फिर इसको इरेज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं ये वाला डिजाइन हम कैसे तैयार करेंगे। क्लियर है, हमको ऐसा सेम डिजाइन तैयार करना है। सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूं। सबसे सिंपल तरीका इसका क्या है, हमको टेबल बनाना है। तो आप यहां पर गिनिए कितने रो और कितने कॉलम है। 1, 2, 3, 4, 5 रो है और 4 कॉलम है। क्लियर, उसके बाद इनको एडजस्ट करेंगे। 5 रो और 4 कॉलम। तो सबसे पहले मैं यहां पर जो टेबल बनाऊंगा, टेबल बनाने के लिए हम किस में क्लिक करेंगे, इंसर्ट में। और इंसर्ट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल कितना रो चाहिए, 5, 3, 4, 5 और कितने कॉलम चाहिए, 2, 3, 4 बन गए। यहां पे क्लिक कर देंगे तो आप यहां पर देख रहे हो कि 5 रो और 4 कॉलम का एक टेबल तैयार हो गया है। लेकिन हमको हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग है। कैसे अलग है, हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो टेबल है वहां पर ऊपर में जो दो कॉलम है वो मर्ज है, दो रो में। ठीक है, तो इसको मर्ज करने का कई तरीका है। आप इसको इन दोनों को जोड़ सकते हो, यहां पर दोनों को जोड़ सकते हैं। क्लियर है, कैसे जोड़ेंगे, देखिए मर्ज करने का कई तरीका है। पहला तरीका, मैं यहां पे मर्ज कर रहा हूं, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं। क्लियर है, तो यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें लेआउट में दिखाई देगा मर्ज सेल। क्या दिखाई देगा, मर्ज सेल। करने से बीच की लाइन हट जाती है और दोनों जुड़ जाता है, मर्ज हो जाता है। मर्ज करना मतलब जोड़ना। देखिए मैं इसमें क्लिक करूंगा, मर्ज हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस बीच की लाइन को डिलीट करना है आपको। क्लियर है, तो आप डिजाइन में जाओगे तो इरेजर मिलेगा, डिलीट हो गया। ठीक है, यहां से भी डिलीट करो या यहां से भी डिलीट करो। क्लियर है, सेम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब टाइप करना चालू कर सकते हैं, हमारा स्ट्रक्चर रेडी है और हम आपको अब क्या करना है, टाइप करना है। क्लियर है, तो पहले हमको जो टाइप करना है वो है नेम राहुल। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि दिखाई दे, ये हमको तैयार करना है। तो मैं यहां पर लिखना चालू कर दे रहा हूं। देखिए पहले वाले में मुझे क्या लिखना है, नेम। नेम क्या होगा, राहुल। और आपको कीबोर्ड में टैब बटन है,